नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। श्वेत पत्र ने कांग्रेस की पोल खोल दी है और हम देश हित में, बता दें पिछले 10 सालों से चुप रहे और संसद के बजट सत्र में केंद्र सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों, राजस्व और राजकोष के स्थिति स्पष्ट करने के लिए श्वेत पत्र पेश किया। वहीं बता दें कि 59 पेज के इस श्वेत पत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और महत्वपूर्ण रेटिंग एजेंसियों के आंकड़ों के सहारे ये साबित करने की कोशिश की गई कि यूपीए के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब स्थिति में थी और साथ ही 15 बड़े घोटालों से देश की अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई थी, जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के शासनकाल में इसमें बहुत सुधार हुआ। संसद में श्वेत पत्र पेश होने के बाद लगातार बीजेपी नेता कांग्रेस को घेरने में लगे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिमला नगर निगम के बजट में इस बार जनता के सुझावों की झलक देखने को मिलेगी। मेयर सुरेंद्र चौहान ने नगर निगम के अधिकारियों को जनता की ओर से आए सुझावों से कम 25% सुझाव बजट में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सभी सुझाव शहर की बढ़ोतरी के लिए बता दें कि बनाए गए हैं, जिनमें बजट शामिल किया जाएगा। नगर निगम शिमला के बजट में पहली बार जनता के सुझावों की झलक अधिक दिखेगी और इन सुझावों को शामिल करते हुए विस्तृत बजट तैयार किया जा रहा है। बजट तैयार करने के लिए 225 से ज्यादा सुझाव नगर निगम शिमला प्रशासन के पास आए हैं और शिमला के शहर के जनता, पूर्व पार्षद, शहर में रह रहे कारोबारियों से लेकर विभिन्न वर्गों ने सुझाव दिए हैं और इसके साथ ही शहर को कम से कम खर्च में अधिक से अधिक सुविधा कैसे मिल सकती है, इस दिशा में बजट पर काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 4000 एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के तबादले हो सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार दोनों श्रेणियों के शिक्षकों के तबादलों के लिए नीति बनाने में जुट गई है। कई सालों से प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में ये शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। वहीं अधिकारियों की माने तो बजट भाषण में मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों की मांगों को हल करने के लिए। सरकार ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। कमेटी में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी शामिल हैं। वहीं कमेटी को बीते दिनों एक बैठक हो चुकी है और जल्द ही दूसरी बैठक कर कमेटी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। विभिन्न अधिकारियों के अनुसार शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों पर भी मंथन किया जा रहा है। बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया, नीति बनाने में सरकार जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि 4000 एसएमसी शिक्षकों के तबादले होंगे। कुल्लू जिले के मुख्यालय सुल्तानपुर डाकघर में महिला कर्मचारी के किए गए गबन की जांच अभी भी जारी है और अब गबन की राशि 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। डाक विभाग ने अपनी ओर से एक टीम का गठन किया है जो लगातार, बता दें कि इस घपले की जांच कर रही है। वहीं अभी भी डाकघर में ग्राहकों के खातों की जांच हो रही है और आने वाले दिनों में ये घपले की राशि और बढ़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि सुल्तानपुर डाकघर में इतनी बड़ी रकम के गबन का मामला सामने आने से डाक विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। इसके अलावा सीबीआई की ओर से
भी इस मामले की जांच की जा रही है। बीते दिनों सीबीआई की टीम ने सस्पेंड महिला कर्मचारी के घर पर भी दौरा किया था और वहां से 2 लाख रुपए नगद बरामद किए थे। हालांकि महिला कर्मचारी ने इस तरह के इस घपले को अंजाम दिया, इसके बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन पता चला है कि महिला कर्मचारी की ओर से डाकघर में चलाई जा रही लंबी योजनाएं जैसे RD बचत खाता और सुकन्या समृद्धि योजना समेत कई अन्य खातों की राशि में से ये गबन किया गया है। ये जो गबन का मामला है ये सुल्तानपुर उपडाघर में हुआ है और ये 12/1/2024 को हमने सरप्राइज विजिट के दौरान इसको ट्रेस किया है। उस टाइम शाखा डाकघर में कुछ कैश 36 लाख के करीब शॉर्ट पाया गया था, तो उसी शक के आधार पर जो है हमने इस पोस्ट ऑफिस की 100% वेरिफिकेशन की। इस उपडाघर में कोई 6000 के करीब अकाउंट हैं, तो उसकी हम जांच 100% जांच कर रहे हैं और लोगों को हमने एक महीने का समय दिया है कि सभी जो हमारे डिपॉजिटर हैं वो अपने 1 महीने के अंदर अपने सभी खातों की जांच करें ताकि गबन के मामलों को ट्रेस किया जा सके और पब्लिक मनी उनको उनके खातों में वापस आ सके ताकि उनके क्लेम बना सके। हिमाचल प्रदेश गत्ता उद्योग संघ की एक आपात बैठक BBNI सभागार में हुई, जिसमें गत्ता उद्योग के कच्चे माल में हुई 25% बढ़ोतरी पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। हिमाचल प्रदेश कोरेग्रेडेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य सूद, महामंत्री विशाल गोयल और BBN इकाई प्रधान हेमराज चौधरी ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि क्राफ्ट पेपर के रेट पिछले 2 सालों में 25% से ज्यादा बढ़ चुके हैं, फिर भी हमें उद्योगों से रेट बढ़ाकर नहीं मिल रहे और जिस कारण गत्ता उद्योग चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में हिमाचल के सभी गत्ता उद्योग हड़ताल पर चले जाएंगे और कहा कि पैकेजिंग संबंधी गत्ता पेटी खरीदने वाले संबंधित उद्योगों को होने वाले नुकसान के जिम्मेदार केंद्र और प्रदेश सरकार है। गत्ता उद्योग संघ और पेपर मिल कोऑर्डिनेट समिति ने कहा कि पेपर मिलों ने अवैध तौर पर गठजोड़ करके क्राफ्ट पेपर के दामों में जो 25% वृद्धि की है। जैसे आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर पिछले 1-1.5 महीने में 6 से 7 रुपए पेपर जो इंक्रीज हुआ है उसका जो इम्पैक्ट है वो सारे कॉर्पोरेटर्स पर है और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही कि सामने मार्च भू खोले हुए खड़ा हुआ है। मार्च तक कोई भी कंपनी इंक्रीज देने को तैयार नहीं है। 2 महीने अगर इस रेट के ऊपर किसी भी कॉर्पोरेटर के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। अगर ये ऐसे ही चलता है तो बहुत सारे कॉर्पोरेटर जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। सर आप अपने भी रेट बढ़ा सकते हैं? नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि मैंने जैसे बोला था कि कॉर्पोरेट के जो ऑफिस वगैरह सारे बॉम्बे और बाहर की चेन्नई या हैदराबाद या अहमदाबाद जहाँ कहीं भी है उनसे अप्रूवल लेना अपने में बहुत टफ जॉब है। जब से हमने उद्योग लगाया है तब से ये पेपर के रेट हर बार बढ़ते आए हैं। पहले था 2-3 साल को छोड़ के जब भी पहले बढ़े हैं ये 50 पैसे 75 पैसे 1 रुपये बढ़ता था और हम भी आगे डिमांड करते थे तो 25-50 पैसे हमारे क्लाइंट को बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये कुछ पिछले दिनों से 2 साल से ऐसे चल रहा है कि ये जो 25 रुपये पेपर का रेट होता है तो उसको 7-8 रुपये बढ़ा देते हैं जो कि वो वाइबल नहीं बैठता है और हम अपने क्लाइंट के पास जब जाते हैं कि रेट बढ़ा दो वो भी इतने नहीं बढ़ा पाते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो रॉ मटेरियल बेसिक रॉ मटेरियल आता है कॉर्पोरेटर बॉक्स में क्राफ्ट पेपर 80% जो हमारा रॉ मटेरियल है वो क्राफ्ट पेपर ही है। पिछले 1 महीने से क्राफ्ट पेपर के रेट जो है वो 25-30% बढ़े हैं और हम जो हमारे एंड कस्टमर हैं वो हमारे रेट बढ़ा नहीं रहे हैं और पेपर मिलों वालों ने काट लो। अब वो कहते हैं कि हम इंपोर्टेड वेस्ट महंगी हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से बगीचे गुलजार हो गए हैं, वहीं नर्सरियों में भी सेब और अन्य फलदार पौधों की मांग बढ़ गई है। नर्सरियों के मालिकों का कहना है कि सेब के पौधों की मांग में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई। बागवानों ने
सेब के पेड़ों के काट छाट करने का काम शुरू कर दिया था। शिमला में इन दिनों हुई वर्षा और बर्फबारी के बाद जमीन में पर्याप्त नमी हो गई है, ऐसे में बागवान बगीचों में नए पौधे लगाने में जुटे हुए हैं। शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में बागवान पुराने पौधे नष्ट होने के बाद उनकी जगह नए पौधे लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों की सलाह है कि बागवान वैज्ञानिक तरीकों से बगीचों की देखरेख का कार्य करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।